हेलो फ्रेंड्स, चारू माता रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। नवरात्रि के व्रत आने वाले हैं, सो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ नवरात्रि के लिए स्पेशल डिशेस बना के तैयार की जाए। सो हमने उसी के लिए एक मिठाई बनाई है जो कि आप नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं और उसको वैसे भी चाहें तो भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मिठाई है और शुगर फ्री भी है। जी हाँ, हमने आज डेट्स एंड ड्राई फ्रूट की मिठाई बनाई है। सो आइए देखते हैं हमें डेट्स और ड्राई फ्रूट की स्वीट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। घर पे ही शुगर फ्री मिठाई बनाने के लिए हमने ये डेट्स लिए हैं। ये 1.5 कप नाप से हमने खजूर लिए हुए हैं जिनको हमने सीडलेस कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके हमने सारे बीज निकाल के रखे हुए हैं। आपके पास सीडलेस हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और हमने ये पॉपी सीड्स लिए हैं। पोस्ता दाना जो आता है ये 2 टेबल स्पून हमने पॉपी सीड्स लिए हुए हैं। थोड़ा सा हमने जायफल लिया है जिसको हम ग्रेट करेंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून ही पिस्ता लिए हुए हैं और 1 टेबल स्पून हमने बादाम लिया है और 1 टेबल स्पून हमने अखरोट लिया है और हम थोड़े से घी की जरूरत होगी। सो आइए शुरू करते हैं अपनी शुगर फ्री डेट्स की मिठाई बनाना। सबसे पहले हम अपने इन पॉपी सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और अपने खजूर का ग्राइंडर में एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर दी है और हमें इन पॉपी सीड्स को ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी घी या ऑयल यूज नहीं करना है। 1 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट कर लेना है। पॉपी सीड्स हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको निकाल लेते हैं। हम इन खजूरों को भी एक मिक्सी के जार में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा खजूर का भी पेस्ट बनके तैयार है। तो हम एक कढ़ाई में ऐड करते हैं। हमने गैस वापस ऑन कर दी है, कढ़ाई ले ली है। इसमें हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। हमने जो अपना खजूर का पेस्ट बनाया है उसको इसमें डाल देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम अपने इस खजूर के पेस्ट को भून लेंगे और हमें इसे स्लो गैस पे ही भूनना है। गैस हमें अपनी तेज नहीं करनी है क्योंकि तेज गैस पे ये जल जाएगा। इस तरीके से इसको प्रेस कर करके हम इसको भून लेते हैं। तक हमारा डेट्स का पेस्ट भूनता है तब तक हम अपने जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो उसको ग्राइंडर में भी एक बार कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। ये पिस्ता है, ये हमारे बादाम और अखरोट हैं। हमारे खजूर को भी भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। सो आइए एक बारी चेक करते हैं। हमारे खजूर का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 टेबल स्पून पॉपी सीड्स हम इसमें ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून ही इसमें हम पिस्ता डालेंगे। हमने जो अपने ये बादाम और अखरोट कट करके रखे हैं इनको ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे 2 टेबल स्पून बादाम और अखरोट हैं। सब चीज़ों को इसमें मिलाते हैं। हमारे सारे ड्राई फ्रूट इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने जो जायफल लिया हुआ है उसको इसमें ग्रेट करेंगे। जायफल का इसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। थोड़ा ही ग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करना है क्योंकि जायफल ऑलरेडी काफ़ी गर्म होता है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमारा ये खजूर का पेस्ट ठंडा हो चुका है, इतना हो गया है कि हम इसको अपने हाथों से छू सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। हम अपने हाथ पे हल्का सा देसी घी मल लेंगे। उसके बाद अपने इस पेस्ट को एक राउंड शेप या सिलिंड्रिकल शेप देने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से ये हमारा रोल होना चाहिए। चारों तरफ से इवन होना चाहिए, कहीं से कम, कहीं से मोटा, कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। सारी तरफ से ये एक समान शेप में होना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा पॉपी सीड्स अपने सरफेस पे ही इस तरीके से डस्ट करेंगे एंड अपने रोल को इस पे ऐसे करेंगे जिससे ये पॉपी सीड्स हमारे इस रोल पे लग जाएंगे। इसी तरीके से हम जो चॉप पिस्ता है उसको इस तरीके से अपने सरफेस पे डालेंगे और अपने इस रोल को इसके ऊपर रोल करेंगे।
जिससे पिस्ता भी हमारे इस रोल पे लग जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा रोल बनके तैयार है। अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल की शीट लेंगे और अपने इस रोल को इसमें रखेंगे और इसको टाइटली रोल करते हुए लपेटेंगे। इसे हमें फ्रिज में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे ये थोड़ा हमारा सेट हो जाए। उसके बाद ही हम इसके पीसेस को कट करेंगे। हमारे खजूर के रोल को रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। हम आइए एक बारी इसको कट करके चेक करते हैं। हम पहले इसको ऐसे ही रोल खोलने के बाद ऐसे कट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसका पूरा ओपन करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा मोटाई में कट कर सकते हैं। इसको एक एक पीस लेके हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी शुगर फ्री डेट्स की मिठाई या खजूर की मिठाई बनके तैयार है। खाने में भी हेल्दी है, कोई शुगर भी नहीं है, कोई ऑयल भी या घी भी हमने बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं किया है। डेट्स हमारे बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन होता है। इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पिस्ते से गार्निश कर देंगे। ये हमारी मिठाई बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई हुई डेट्स एंड ड्राई फ्रूट की स्वीट पसंद आएगी। डेट्स हमारा बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन होता है, आप इसको अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिएगा। स्वीट को हमने शुगर फ्री बनाया है, कुछ भी स्वीट हमने इसमें ऐड नहीं करी है। सो आप इसको जब चाहें बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसको एक बारी जरूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में अपने व्यू शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे द्वारा आने वाली ऐसी ही और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय माता दी।